गुप्ता, मैं हूं आपके साथ निधि यादव। आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। विंध्य में बिगड़ा बीजेपी का समीकरण, बागी दे सकते हैं बड़ा झटका। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी अड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पार्टी के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता प्रदेश के दौरे पर दौरा कर रहे हैं, लेकिन विंध्य में बीजेपी के समीकरण अभी भी बिगड़ रहा है। साल 2018 में बंपर वोट से विंध्य जीतने वाली बीजेपी की राह इस बार मुश्किल में दिख रही है। यहाँ कई दिग्गजों की सीट फंस गई। पार्टी से खफा बागी विंध्य में बीजेपी को झटका देने की तैयारी में है। वर्तमान में विंध्य में कुल 30 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से 24 पर बीजेपी का कब्जा है। तो वहीं कांग्रेस के पास महज 6 सीटें। इसे लेकर कांग्रेस नेता अजय सिंह ने कहा कि बीजेपी विंध्य में मुश्किल में न होती तो पीएम नरेंद्र मोदी कितने दौरे न होते। इस बार विंध्य में कांग्रेस का माहौल है। यहाँ कांग्रेस 18 से 20 सीटें जीतने जा रही। बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम राज्यों में 2023 विधानसभा चुनाव 7 नवंबर से 30 नवंबर के बीच होने हैं। वहीं छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा राज्य है जहां दो चरणों में चुनाव हो रहा है। छत्तीसगढ़ के पहले चरण की 20 सीटों के लिए 7 नवंबर को ही वोटिंग हो चुकी है, जबकि मिजोरम की सभी 40 सीटों पर भी 7 नवंबर को मतदान हो चुका है। वहीं 60 लाख पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं सहित 16 करोड़ से अधिक पात्र मतदाता है। 1.77 लाख मतदान केंद्रों पर चुनाव हो 5 राज्यों में कुल 679 विधानसभा क्षेत्र हैं। 40 सीटों वाले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान हो चुका है। 1.77 लाख मतदान केंद्रों पर चुनाव होंगे। 5 राज्यों में कुल 679 विधानसभा क्षेत्र हैं। 40 सीटों वाले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान हो चुका है, जबकि छत्तीसगढ़ में 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। मध्य प्रदेश में 230, राजस्थान 200 और तेलंगाना 119 में क्रमशः 17, 25 और 30 नवंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 3 दिसंबर 2023 को होनी है।